गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ Xiaomi Mi A3 का, जो कुछ इस टाइप की बॉक्स इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन बताएंगे आज की इस वीडियो में। कहीं मत जाना, वीडियो को लाइक करके बैठ जाओ। सो गाइस एक चीज पहले बताना चाहती हूँ, अनबॉक्सिंग करने के पहले, जो चाइना पे Xiaomi Mi CC9 नाम के एक मोबाइल लॉन्च हुई है, वही मोबाइल इंडिया पे लॉन्च हो रहा है Mi A3 के नाम पे, मैं पहले ही बता दूं। सो गाइस देख सकते हो इसका बॉक्स तो आपको कुछ इस प्रकार में देखने को मिलता है। पहले बॉक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद मोबाइल को अनबॉक्सिंग करके मोबाइल का फर्स्ट लुक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो गाइस मैं बात कर लेती हूं इसी बॉक्स के बारे में। सो फ्रंट साइड में आपको बॉक्स तो कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के पूरा फ्रंट कोने पे देख सकते हो, ऊपर की कोने पे लिखा है Android 1, एंड्रॉइड वर्सन इसका नहीं, यहाँ पे Mi का लोगो, मी लोगो कुछ इस टाइप की, एंड यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल का फोटो दिए गए, जो चाइना पे लॉन्च हुआ CC9 मोबाइल, वही मोबाइल का फोटो आप लोग देख ही सकते हो। बॉक्स के नीचे लिखा देख सकते हो मी A3 कुछ इस टाइप की, नीचे में लिखा Android 1, एंड ओवरऑल दिखने में तो बॉक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड बॉक्स की साइड में आप लोग देख सकते हो Mi A3 कुछ इस टाइप की, एंड बॉक्स की इस साइड में भी दिखाओ तो इस साइड में भी Mi A3 कुछ इस टाइप का आपको दिखने वाला बॉक्स है। सो गाइस नाउ इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के पीछे देख सकते हो बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हाईलाइट किए गए, देख सकते हो मैं 64 GB स्टोरेज वाला मेरे पास ब्रेडियंट है, एंड कुछ इस टाइप की है। मैं फटाफट से इसका सील को करेंगे कटआउट, एंड उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। देख सकते हो पीछे में दो सील है, उसको कट करना पड़ेगा, उसके बाद अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा। सो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। सो पहले हम लोग इसी का सील कटआउट कर लेते हैं यार, ओके। सो गाइस सील हो गया कट, अब करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। थोड़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके गाइस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस अनबॉक्सिंग होने के बाद मैं ऊपर का बॉक्स को कर लेता हूँ साइड पर, हाँ ठीक है यहीं पर साइड कर दिया। एंड उसके बाद देख सकते हो डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है Xiaomi की तरफ से आने वाला एक डॉक्यूमेंट, जिसको पर लिखा है मी और कुछ इस टाइप की, मोबाइल का फर्स्ट लुक देख सकते हो। मोबाइल को निकाल के साइड में रख के बॉक्स के अंदर क्या क्या उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो गाइस मोबाइल को साइड में रखने के बाद एक लीड देखने को मिलता है, जो कुछ इस टाइप के आप लोग जानते हो Xiaomi की बॉक्स में ऐसा होता है। और ये देख सकते हो हमारा बॉक्स के अंदर एक सिम इजेक्शन टूल, बॉक्स नहीं लीड के अंदर सॉरी, कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलते हैं। इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ इजेक्शन टूल को, एंड कुछ इस टाइप की सिम इजेक्शन टूल, ये देख सकते हो एकदम स्टील का चक चक, हाँ सॉरी भाई इसको बहुत ध्यान से रखना ठीक है। और ये कुछ इस टाइप की आपको एक फिर एक डॉक्यूमेंट Xiaomi की देख सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। मैं तो पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ, साइड में कर देती हूँ, और उसके बाद बॉक्स के अंदर क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं फोकस कर लेती हूँ, फोकस करने के बाद देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप के एक चार्जर देखने को मिलेगा, 18 वाट की एक फास्ट चार्जर जो Xiaomi देता है ना, 18 वाट की एक फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है, वो मुझे बहुत ही सही लगा, आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर। साथ ही साथ केबल देखने को मिलता है, एक टाइप सी केबल है, देख सकते हो मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ ठीक से। एंड ये देख सकते हो एक मुलायम सा अच्छा सा टाइप सी केबल आपको प्रोवाइड करता है Xiaomi ने, मुझे बहुत ही सही लगा। तो कर लेंगे साइड पर, अभी बॉक्स पूरा खाली हो चुकी है देख सकते हो। अभी थोड़ी हमारा डेस्क को करेंगे ठीक ठाक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने मोबाइल के बारे में। डेस्क को कर लेते हैं हम लोग ठीक ठाक, गाइस डेस्क हो चुकी है ठीक ठाक, एंड मोबाइल को बूट अप करके फ्रंट एंड रियर दोनों के बारे में बात करते हैं। मोबाइल बूट होने के बाद आप लोग देख सकते हो डिजाइन आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलेगा, ऊपर में आपको यू शेप नॉच देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार में, और देख सकते हो एकदम झकास सा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। एंड इसका जो डिस्प्ले की साइज है ना 6.39 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, वो भी बहुत सही बात है। साथ ही साथ देख सकते हो आपको साइड में बेजल्स बहुत ही कम दिए गए, मुझे बहुत ही सही लगा। एंड ऊपर के में आपको नॉच के अंदर जो कैमरा देखने को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं, पहले रेयर के बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद। एंड गाइस मैं रेयर के बारे में बात करता हूँ, रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जो फर्स्ट वाला सेंसर है 48 मेगापिक्सल की सेंसर सोनी IMX580 की सेंसर के साथ आता है ठीक है। और जो सेकंड वाला सेंसर है ना गाइस 8 मेगापिक्सल की एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो मुझे बहुत ही सही बात लगा। एंड जो थर्ड वाला कैमरा वो एक 8 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस, जो ओवरऑल इसका कैमरा जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ही सही बात है। और फ्रंट में आप लोग देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऊपर में यू शेप नॉच के अंदर जो आपको जो कैमरा देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल की आपको कैमरा देखने को मिलता है, जो बहुत ही सही कैमरा है। मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोसेसर के बारे में, इसकी प्राइस के अंदर बहुत ही सही एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो है इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है ना, मैं बोलूंगा तो आप होश उठ जाएगा। इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 730 की प्रोसेसर, गेमिंग की मजा बहुत ही उठा सकती इसी मोबाइल पर। साथ ही साथ 4000 mAh की बैटरी, घंटे बार इसी में पबजी खेलो कोई बात नहीं। बहुत ही मस्त सा बॉक्स, बहुत ही मस्त सा मोबाइल हम लोगों को मिलता है इसी बॉक्स के अंदर। मैं आपको क्या बताऊँ, 6.39 इंच की डिस्प्ले, बढ़िया डिस्प्ले, पबजी खेल सकते हो। ऊपर में आपको ड्रूड ऑफ नॉच देखने को मिलता है, यू शेप बोल सकते हो ऐसा कुछ एक नॉच, 32 मेगापिक्सल कैमरा, बहुत बढ़िया बात
मोबाइल ओवरऑल बहुत ही सही है। और आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी भी दबा देना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ऐसे डमी अनबॉक्सिंग हर दिन करते रहते हैं। सो गाइस चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। सो गाइस गुड बाय।